Namaskar, hello, and a very warm welcome to CIET NCERT's live phone-in interactive program. सोशल साइंस के इस कार्यक्रम में आज हम जिस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं वो है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो अगर आपने इन केस वो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं एनसीईआरटी ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वक्त आप हमें देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 9 पर, और 9th क्लास के सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में बहुत सारे माध्यमों के जरिए। आप चाहें तो हमें फोन करके अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर है 8800440559। अगर ईमेल करना चाहें तो ईमेल आईडी होगा dth.class9@cit.nic.in। हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं जो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में, तो चलिए आपका परिचय उनसे करवाते हैं। वी हैव विद अस मिस्टर सुशील कुमार, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। जी मैम, धन्यवाद, और पीएम विद्या चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस चैप्टर पार्ट 3 में। थैंक यू सो मच सर। सर हैं पीजीटी इन हिस्ट्री फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय असनसोल कोलकाता, और सर से हम बहुत सारे सवाल भी पूछेंगे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए। पर इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू, एंड दैट इज रिगार्डिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। वेल, वी आर एक्सट्रीमली प्राउड दैट इंडिया हैज अज्यूम्ड G20 प्रेसिडेंसी एंड विल कन्वीन अ G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री दिस ईयर, दैट इज 2023. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, well, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding the global solutions for the well-being of all, and in doing so, manifest its true spirit of Vasudev Kutumbakam, or should I say, the world as one family. And with that, let's begin this program. Sir, क्योंकि आज हम वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस का भाग 3 करने वाले हैं, क्या आप हमें प्लीज सम अप करके रीकैप थोड़ा सा बता सकते हैं कि पार्ट 2 में हमने क्या किया था? जी मैडम, बिल्कुल। सबसे पहले मैं बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि जब इस चैप्टर की शुरुआत की थी हमने, जब वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का पार्ट 1 किया था, तभी हमने ये बात बताई थी बच्चों, एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए, एक सोशल साइंस के स्टूडेंट के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, नॉट इवन फॉर द एकेडमिक परफॉर्मेंसेस, इवन व्हेन दे विल कंप्लीट देयर एकेडमिक करिकुलम एंड विल गो टू फेस द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, लॉट ऑफ क्वेश्चंस यूजुअली आस्क्ड फ्रॉम दिस सेगमेंट, एंड दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी टोल्ड देम टू प्लीज गो थ्रू दिस सेशन केयरफुली। सो चूंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, इसीलिए मैंने कोशिश की है कि इस चैप्टर को छोटे छोटे सेशंस में बांट करके सभी टॉपिक्स को बच्चों को बिल्कुल थ्रूली समझाया जा सके और उनके सभी कंफ्यूजन को दूर कराया जा सके। तो आइए बच्चों, देखते हैं सबसे पहले कि हमने पिछले 2 सेशन में कौन कौन से आस्पेक्ट पे चर्चा की थी। हमने पहले 2 सेशन में बच्चों को ये बताया था कि इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है और एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। Then, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की थी। उसके बाद हम लोगों ने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के वेरियस ऑर्गन्स पे डिस्कस किया था। Then, किसी भी देश में कोई भी निर्णय या कोई भी पॉलिसी या डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है और कैसे होता है। उसके बाद हम लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में और प्रेसिडेंट के पावर के बारे में भी चर्चा की थी। उसके बाद हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव का मीनिंग और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में चर्चा की थी, और इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में जाना था, उनका इलेक्शन प्रोसेस क्या है, उनकी शक्तियां क्या है। उसके बाद हम कैबिनेट के बारे में चर्चा कर रहे थे, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम वो पूरा पार्ट हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, कवर नहीं कर पाए थे, जिसकी शुरुआत हम आज करेंगे। सो जैसा कि बच्चों आपको बता चुके हैं, सेकेंड सेशन में हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव का मीनिंग समझा था, देन कितने तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड देन आफ्टर वी हैव डिस्कस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, व्हिच इज आल्सो नोन एज कैबिनेट, जो
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के जो मेन पार्ट होते हैं उसके बारे में चर्चा करना शुरू किया था। आइए आज हम लोग देखते हैं कि कैबिनेट का फॉर्मेशन या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें किस तरह के मिनिस्टर आते हैं, उसके बाद हम लास्ट ऑर्गन दैट मींस जुडिशियरी के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव के डिफरेंट एस्पेक्ट हो चुके थे, एग्जीक्यूटिव आफ्टर डिस्कसिंग द कैबिनेट आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा एंड देन वी विल गो थ्रू द जुडिशियरी। सो शुड वी स्टार्ट द सेशन मैम? एब्सोल्युटली सर जी। सो जैसा कि बताया था कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं उसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं। वन द हेड ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज द प्राइम मिनिस्टर एंड देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का सबसे अहम अंग होता है और जिसकी अध्यक्षता जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री करते हैं। दैट मींस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शुड नॉट एक्सीडेड मोर देन 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ लोकसभा। बच्चों इस बात को याद भी कर लीजिए, समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि किसी भारत की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो संख्या है वो कभी भी लोकसभा के सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। यही कारण है कि यूजुअली भारत के जो मंत्रिपरिषद होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, उसमें यूजुअली 60-80 मिनिस्टर्स होते हैं। Now, क्या ये जो 60-80 मिनिस्टर्स की हम बात कर रहे हैं, क्या ये सभी मिनिस्टर्स एक ही तरह के होते हैं, क्या सभी के पावर समान होते हैं या उनमें भी कुछ डिफरेंसेस हैं, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों वेर वी टॉक अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया, देर आर थ्री टाइप ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया। द फर्स्ट वन इज कैबिनेट मिनिस्टर्स, सेकेंड वन इज मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्जेस एंड एट लास्ट these are the state ministers. So let me discuss each type of ministers one by one. एक एक करके हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, तीनों के पावर्स के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। Starting with cabinet ministers. So the top leaders of a ruling party mostly becomes the cabinet ministers. अब आप समझ सकते हैं जब हम बात करते हैं cabinet ministers की तो जो भी ruling party होती है, जो सरकार बनाने वाली जो पार्टी होती है, उनके जो टॉप मोस्ट लीडर्स होते हैं जनरली वही कैबिनेट मिनिस्टर्स बनते हैं और जनरली वो अपने डिपार्टमेंट के सभी बड़े फैसले कैबिनेट मिनिस्टर खुद से लेते हैं। और यही कारण है कि जो कैबिनेट होता है एक तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का इनर रिंग होता है, उनके पास बहुत पावर होता है, वो अपने डिसीजन सारे खुद से लेते हैं। इसीलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है उसका इनर रिंग कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं मुख्यतः, जो मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 20 नंबर्स ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जो किसी भी देश के सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट से जुड़े हुए निर्णय लेते हैं। आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं भारत में कैबिनेट मिनिस्ट्री में कौन कौन सा पोर्टफोलियो आता है। जैसे भारत के होम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, रेल मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, ये सभी जो मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की पोर्टफोलियो को संभालते हैं। नाउ कम टू द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस। अब कैबिनेट मिनिस्टर्स के अलावा कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो भले ही थोड़े छोटे हों लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे मिनिस्ट्रीज होते हैं जो भले ही थोड़े छोटे होते हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऐसे जो मिनिस्ट्री होती है, जो ऐसे डिपार्टमेंट के जो चार्ज होते हैं वो चार्जेस मिलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिनके पास अपने डिपार्टमेंट के इंडिपेंडेंट चार्जेस होते हैं। हालांकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस कैबिनेट मीटिंग में तभी जा सकते हैं, ओनली दे आर स्पेशली इनवाइटेड, तभी वो उन मीटिंग्स में शामिल हो सकते हैं।
हालांकि अपने डिपार्टमेंट के ये डिसीजंस खुद से ले सकते हैं. एंड फाइनली द थर्ड टाइप ऑफ मिनिस्टर, दैट इज मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो है वो खुद से अपने डिपार्टमेंट के डिसीजन नहीं ले सकते. बेसिकली दे आर अटैच्ड विद द कैबिनेट मिनिस्ट्रीज टू असिस्ट देम. बेसिकली क्या होता है, वो कैबिनेट मिनिस्टर के साथ जुड़े होते हैं और उनको डिसीजन लेने में मदद करते हैं. जो भी निर्णय लिया गया है उसको फुलफिल करने में वो उनको हेल्प करते हैं. नाउ अब अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट का कार्य करने का तरीका क्या होता है. सो वी कैन सी द कैबिनेट वर्क्स एज अ टीम. द कैबिनेट वर्क्स एज अ टीम. व्हाट इट मींस, इट मींस actually no minister can openly criticize any decision of the government even the decision is not related to their own department. Maybe the decision is related to another department, but they cannot openly criticize the decision of the government because the cabinet works as a team. Every minister has their own secretaries in form of civil servants. और हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि यही जो सिविल सर्वेंट होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव के मेन पार्ट होते हैं. ये सेक्रेटरी करते क्या है, दीज सेक्रेटरीज प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द कंसर्न मिनिस्टर्स सो दैट दे कैन टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ देयर डिपार्टमेंट. इनका काम होता है कि वो अपने डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें, अकुमुलेट करें, उन इंफॉर्मेशन के आधार पे रिपोर्ट तैयार करें और वो रिपोर्ट अपने मिनिस्टर को हैंड ओवर, इसके आधार पे मिनिस्टर उनकी मदद से उस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो डिसीजंस हो सकते हैं उनको लेने में उन्हें मदद मिले. नाउ कम टू द लास्ट ऑर्गन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज अमंग द थ्री ऑर्गन ऑफ द डेमोक्रेसी, दैट इज जुडिशियरी. हम लोगों ने लेजिस्लेटिव क्या है पढ़ चुके हैं, हम एग्जीक्यूटिव क्या है पढ़ चुके हैं, जुडिशियरी अब हमें पता करना है. एन ऑर्गन ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विच सेटल्स द डिस्प्यूट्स अमंग द पीपल और द गवर्नमेंट इज नोन एज जुडिशियरी. यानी लोकतांत्रिक सरकार का वो संस्था लोगों के बीच के डिस्प्यूट्स को या सरकारों के बीच के डिस्प्यूट्स को जो दूर करने का काम करता है, ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसा ऑर्गन जुडिशियरी कहलाता है. इन इंडिया देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ जुडिशियरी, द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट्स एंड द सेशन कोर्ट्स. एंड ऑल द थ्री लेवल्स ऑफ कोर्ट्स आर कलेक्टिवली पार्ट ऑफ द जुडिशियरी. यानी जब हम भारत की जुडिशियरी की बात करते हैं, दैट मीन्स वी हैव टू कंबाइन ऑल द थ्री लेवल्स ऑफ द कोर्ट्स, देन आफ्टर the judiciary will be completed in India. And the judiciary is an independent and very powerful institution which is very essential to promote the spirit of democracy. Ek loktantra tabhi sarthak ho sakta hai jahan judiciary swatantra ho aur jahan judiciary shaktishali ho, tabhi us loktantra ki sahi spirit promote ho sake. So bachon, abhi tak aap logon ne dekh liya कि एक लोकतंत्र सफलतापूर्वक तभी चल सकता है जब उनके पास थ्री ऑर्गन्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. और ये तीनों जो ऑर्गन्स हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होने चाहिए. आइए हम आगे बात करते हैं. स्ट्रक्चर्स ऑफ जुडिशियरी इन इंडिया. So, जैसा कि हमने बताया, भारत में थ्री लेवल्स ऑफ कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द सेशन कोर्ट. सो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ जुडिशियरी एंड द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इट हैज फाइनल डिसीजन इन ऑल लीगल मैटर एक्सेप्ट फॉर द पर्सनल लॉज. यानी किसी भी तरह के लीगल अफेयर्स होंगे पर्सनल लॉज को छोड़कर, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल डिसीजन माना जाएगा. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्राइजेस द चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस. यानी कुल मिला के हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में 34 जस्टिस होते हैं, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम. एक्चुअली जो जुडिशियरी के जो जजेस हैं उनका जो इलेक्शन करने का जो तरीका, अपॉइंटमेंट का जो तरीका होता है, कॉलेजियम सिस्टम से होता है. बच्चे आगे जाकर बड़ी क्लासेस में इसको अच्छे तरीके से समझेंगे.
Now, come to the second level of judiciary, that is the High Court. High Courts of India are the second highest legal authority of India. Currently, there are 25 High Courts in India. Mostly, all the Indian states have High Courts in its capital cities. अगर हम बात करें तो भारत के जो जितने भी राज्य हैं लगभग सभी राज्यों की राजधानी में हाई कोर्ट्स के बनाने का प्रावधान किया गया है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, भारत के सभी राज्यों में उनके कैपिटल में हाई कोर्ट्स के बनाने का प्रोविजन बनाया गया है, लेकिन इसके कई सारे अपवाद एक्सेप्शन हमें देखने को मिलते हैं। भारत के कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां उनका हाई कोर्ट उनके कैपिटल सिटी में ना होके दूसरे शहरों में है। जैसे यूपी का ही उदाहरण देख लीजिए, यूपी का हाई जो कैपिटल सिटी है लखनऊ, बट इनका हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद। सो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां कैपिटल सिटी में हाई कोर्ट्स नहीं है। इसके अलावा एक चीज और देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जिनकी लीगल अथॉरिटी मोर देन वन और टू स्टेट्स होती है, जो एक या दो से ज्यादा राज्यों में भी उनकी लीगल अथॉरिटी काम करती है। जैसे सभी बच्चों को मालूम होगा पंजाब और हरियाणा दोनों का जो हाई कोर्ट है दैट इज इन चंडीगढ़। नाउ फाइनली कम टू द थर्ड लेवल ऑफ जुडिशियरी, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज द थर्ड लेवल ऑफ जुडिशियरी प्रेसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज। इन एडिशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देयर आर डिस्ट्रिक्ट जजेस, देयर आर मेनी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जजेस इन ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जजेस जज के अलावा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी होते हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज भी होते हैं। दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द पॉपुलेशन, द केसेस इन ए डिस्ट्रिक्ट, द नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड द नंबर ऑफ केसेस इन द डिस्ट्रिक्ट। सर हम आपसे यहाँ पर कुछ पूछना चाहेंगे। अभी आपने थोड़ी देर पहले डेमोक्रेसी के तीन ऑर्गन्स हमें एक्सप्लेन किए, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। क्या हम आप बता पाएंगे हमारे दर्शकों को कि अगर इनमें से एक बॉडी कोई डिसीजन लेती है तो क्या बाकी की तो उनमें इंटरफेयर कर सकती है, इंटरवीन कर सकती है, या फिर एक बॉडी अपना डिसीजन खुद लेती है और वो इंडिपेंडेंट होती है? जी मैम, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली। जैसा कि ऑलरेडी बताया गया है कि एक डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उसमें तीन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। द पावर गिवन टू ऑल द ऑर्गन्स आर डिफरेंट टू इच अदर। देखिए तीनों का काम करने का तरीका अलग है। लेजिस्लेटिव कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव इस कानून को लोगों तक पहुंचाती है, और इस कानून से अगर किसी भी तरह की समस्या आती है तो उस पे फैसला लेने का काम, उस पे डाउट्स को दूर करने का काम जुडिशियरी को करना होता है। दैट मींस द वर्किंग एरिया ऑफ ऑल द थ्री ऑर्गन्स आर टोटली डिफरेंट। दे कांट इंटरवेन इन द डिसीजन ऑफ अनदर ऑर्गन्स। यानी अगर कानून लेजिस्लेटिव को बनाना है तो उसमें जुडिशियरी या एग्जीक्यूटिव हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लोगों तक कैसे पहुंचाना है ये डिसीजन लेने का काम एग्जीक्यूटिव है, उसके लिए जुडिशियरी या लेजिस्लेटिव उनको इंटरवेन नहीं कर सकते। और जुडिशियरी का काम है कि अगर कोई डिस्प्यूट उभर जाए उस कानून के कारण तो उसको सेटल कराने का। सो वर्किंग एरिया इनका अलग होता है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है, इससे कई सारे डिस्प्यूट्स उभर जाते हैं जिसके कारण ये जो ऑर्गन्स हैं एक दूसरे के काम को चेक करने का काम करती है। जब बच्चे क्लास 10th में जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, उसमें यही आता है। ये तीनों ऑर्गन एक दूसरे के काम में इंटरवेन नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे के काम के तौर तरीके को देख सकते हैं और अगर कुछ गलत पाया जाता है तो उनको रिफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं। अक्सर सुनने में आता है कई बार जुडिशियरी क्या होती है, डिसीजन को रिव्यू करने के लिए लेजिस्लेटिव को कहती है। वो अपने सजेशंस नहीं देगी लेकिन रिव्यू करने के लिए कहेगी अगर डिस्प्यूट उभरेगा तो। दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज नोन एज सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। ओके सो मैम जी, सो डू यू गो अहेड? बिल्कुल बिल्कुल सर, और इन तीनों के ही अपने ही फंक्शंस हैं, और आप हमें जुडिशियरी के फंक्शंस कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे, सो क्या आप कंटिन्यू करेंगे प्लीज? जी मैम। सो अब हम
एक्चुअली इस चैप्टर के लास्ट पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, दैट इज द फंक्शंस ऑफ जुडिशियरी। भारत में जुडिशियरी की जो वर्किंग जो कल्चर है, जो उनके फंक्शंस हैं, बहुत सारे हैं। हम एक एक करके उन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट स्टार्ट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। हमने देखा जुडिशियरी एक ऐसा ऑर्गन है विच डिस्प्यूट्स विच सेटल द डिस्प्यूट्स, जो डिस्प्यूट्स को सेटल करता है। अब सवाल उठता है कि ये कौन से डिस्प्यूट्स को सेटल करता है, किनके बीच के डिस्प्यूट्स को सेटल करता है। भारत की जुडिशियरी भारत के लोगों के बीच में अगर किसी तरह के डिस्प्यूट्स हैं उनको भी सेटल करने का काम करती है। अगर सिटीजन और सरकार के बीच में किसी तरह के डिस्प्यूट्स हैं उनको भी सॉल्व करने का काम करती है। अगर हमारे देश की 2-3 राज्यों के बीच में आपसी कोई डिस्प्यूट है उनको भी सेटल करने का काम करती है। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है तो उनको भी सेटल करने का काम करती है। That means whatever the nature of the dispute raised among what type of level of government or the people, each type of disputes are settled by the judiciary in India. Now, come to the second point, interpret the Constitution of India. बच्चों, आपने देखा भारत का एक written constitution। भारत में 395 articles भी हैं। उसके बाद समय टाइम टू टाइम आप देखेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका अमेंडमेंट भी होता रहता है, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि लोगों के बीच में भी डिस्प्यूट्स होता रहता है, सरकारों के बीच में भी डिस्प्यूट्स होता रहता है। ये डिस्प्यूट्स क्यों होता है? क्योंकि कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो पूरी तरह से क्लियर नहीं है। अलग अलग परिस्थितियों में उनका इंप्लीमेंटेशन उनका अलग अलग तरीके से होना चाहिए। सो अगर इस तरह के डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, चाहे वो लोगों के बीच में हो या सरकारों के बीच में हो, रिगार्डिंग एनी प्रोविजन और रिगार्डिंग एनी लॉ, देन इट इज द जुडिशियरी हु इंटरप्रेट द लॉ अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस। ये जुडिशियरी ही है जो लॉ का इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करती है। आप देखेंगे यही कारण है कि कई बार किसी क्राइम के लिए किसी को भी कर दिया जाता है, तो कई को किसी के लिए कभी कभी उसी सजा के लिए उसे कुछ वर्षों की जेल की सजा भी हो जाती है। सो एक ये काम एक्चुअली जुडिशियरी का है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को देखते हुए, सरकमस्टेंसेस को देखते हुए उसका इंटरप्रेट कर सके कि व्हाट इज द करेक्ट डिसीजन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज जुडिशियल रिव्यू। सो व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? द जुडिशियरी कैन डिक्लेयर एनी लॉ ऑफ लेजिस्लेचर और एनी एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इनवैलिड। चाहे एग्जीक्यूटिव का कोई काम हो, चाहे लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून हो, उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है जुडिशियरी जब जुडिशियरी को यह लगता है कि दिस लॉ इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये संविधान के विपरीत स्प्रिट में काम कर रहा है। दस दे कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, और इस प्रकार वो संविधान की वैलिडिटी को डिटरमाइन कर पाते हैं। दिस इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू। अब आइए इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, जैसे प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। हम जानते हैं हमारे संविधान ने भारत के नागरिकों को कई सारे मौलिक अधिकार दिए हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स आर कंटिन्यूअली एग्जिस्टिंग। अब आप देखेंगे इन फंडामेंटल राइट्स को ना केवल बरकरार रखना है, लोगों तक पहुंचाना है, बल्कि इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। And it is possible only when judiciary works in a proper manner. अगर judiciary जो है सही तरीके से काम करती है, judiciary जो है क्या करती है, लोगों को fundamental rights का protection करने में help करती है। Provide the opportunity to file PIL. PIL public interest litigation. कई बार संविधान के नियम होने के बावजूद कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जो against the will, against the spirit होता है। ऐसी स्थिति में हमारी माननीय जुडिशियरी ने लोगों को
प्रेस लिटिगेशन फाइल करने का अधिकार दे रखा है, विच इज नोन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो जनहित याचिका कहलाती है। जी सर, हमारे पास और समय नहीं है, नहीं तो बस मैम लास्ट मिनट है, उसके बाद कुछ नहीं बचा है इसमें। प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर, और इस तरीके से जुडिशरी जो है सरकार के पावर को मिसयूज होने से भी रोकने का काम करती है। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेटिव से और एग्जीक्यूटिव से पूरी तरह से स्वतंत्र है, तभी वो अच्छे तरीके से काम कर पाती है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। बहुत सारे पॉइंट्स आपने बताए आज हमें इंस्टीट्यूशन के वर्किंग ऑर्डर के बारे में, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू इन आवर प्रोग्राम टुडे सर। थैंक यू सो मच इस एक्सप्लेनेशन के लिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए, और बच्चों की नॉलेज बढ़ाने के लिए भी थैंक यू। जी मैम धन्यवाद, और पीएम विद्या के दर्शकों को पुनः बहुत बहुत स्वागत है कि उन्होंने अपना समय दिया। जी थैंक यू करना चाहेंगे हम अपने सभी दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और ये बेहद दिलचस्प प्रोग्राम था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल NCERT ऑफिशियल पर, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। और इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं, थोड़ी देर में हाजिर होंगे मैथ्स का एक कार्यक्रम लेके, जो कि होगा 10th क्लास के सभी बच्चों के लिए, और जिस टॉपिक पर बातचीत होगी वो होगा कंस्ट्रक्शन पार्ट 2। देखते रहिए ई विद्या चैनल्स। और जाने से पहले एक बार फिर हम आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे इंडिया G20 प्रेसिडेंसी के बारे में। वी आर वेरी वेरी प्राउड दैट इंडिया अज्यूम्ड G20 प्रेसिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री दिस ईयर, दैट इज 2023। वेल, a nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role in finding the pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so, manifest its true spirit of Vasudev Kutumbakam, or should I say, the world is one family. And with this information, I'm Tanvi Khurana. I'll take a leave of you. Thank you once again. Take care. Namaskar.